पंजाब और केपी में फिर गैस की बंदिश का ऐलान कर दिया गया। 12 सितंबर से 15 सितंबर तक इंडस्ट्री, सीएनजी और सीमेंट सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक एफएसआरयू के बायस गैस की बंदिश की जाएगी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, अवैस यानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इस सिलसिले में क्या ऐलान किया गया है? देखिए, ये मौसम गर्मा में दूसरा जो गैस बोहरान आ रहा है, और इस सिलसिले में जो वज़ीरे तवानाई हमाद अज़र और शक्ति पेट्रोलियम के चेयरमैन नैब से जो मुलाकात हुई थी वो बेसूद साबित हुई है। एलएनजी टर्मिनल्स में 330 मिलियन क्यूबिक इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने का जो मामला है वो हल नहीं हो सका, और निजी कंपनी एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल वापस जाने के बाद गैस की शदीद किल्लत का सामना है। और श्रीनगर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सनअतों और सीएनजी को गैस बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हमाद अज़र और शक्ति पेट्रोलियम के चेयरमैन नैब से जो मुलाकात हुई थी वो बेसूद साबित हुई है। एलएनजी टर्मिनल्स में 330 मिलियन क्यूबिक इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने का जो मामला है वो हल नहीं हो सका, और निजी कंपनी एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल वापस जाने के बाद गैस की शदीद किल्लत का सामना है। और श्रीनगर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सनअतों और सीएनजी को गैस बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तमाम ठीक है। अवैस, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।